जम्मू कश्मीर के कठुआ सामूहिक दुष्कर्म कांड 2018 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कठुआ कांड के आरोपी शुभम सांगरा को बालिक मानते हुए उस पर केस चलाया जाए। शीर्ष कोर्ट ने आरोपी सांगरा को दुष्कर्म के वक्त नाबालिग मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही निचली अदालत और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग घोषित करने के लिए यदि दस्तावेज ना हो तो न्याय हित में चिकित्सकों की राय पर विचार किया जाना चाहिए। आरोपी शुभम सांगरा के खिलाफ बालिग या वयस्क के रूप में ही मुकदमा चलाया जाए। शीर्ष अदालत ने आरोपी को नाबालिग मानने का निचली अदालत का आदेश खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी की उम्र तय करने के लिए यदि पक्के सबूत नहीं है तो चिकित्सकों की राय को ही सही माना जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2020 को कठुआ मामले के एक आरोपी पर बाल न्यायालय में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी। जम्मू कश्मीर सरकार की अपील पर शीर्ष कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी। कठुआ की स्थानीय कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी आरोपी को नाबालिग माना था। जम्मू कश्मीर सरकार ने नगर पालिका और स्कूल रिकॉर्ड के बीच अंतर का हवाला देकर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कठुआ में जनवरी 2018 में 8 साल की बच्ची के अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जून 2019 में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने इस मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सबूत नष्ट करने के आरोप में 3 पुलिस अधिकारियों को 5 साल कैद की सजा भी सुनाई। शुभम सांगरा के मुकदमे को किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था। शुभम सांगरा मुख्य आरोपी सांजी राम का भतीजा है, जो उस मंदिर का केयर टेकर था जहां अपराध हुआ था। वकीलों द्वारा न्याय में बाधा डालने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कठुआ से पंजाब के पठानकोट में स्थानांतरित कर दी थी।